हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी कैसे हैं? और गर्मी स्टार्ट हो चुकी है तो हम अपनी गर्मियों में स्किन इतनी टैन हो जाती है जब हम कहीं जाते हैं, कहीं भी गर्मी लगती है, बाहर जाते हैं तो धूप की वजह से स्किन जो है वो ज़्यादा टैन हो जाती है, टैन हो जाती है। शादियों में गर्मी, मतलब गर्मियों में शादी होती है, शादी पार्टी होती है, तो हम सब अपने फेस की मतलब केयर करते हैं, तो देखते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं। इसलिए गर्मियों में जो स्किन टैन हो जाती है उसके लिए हम फेशियल करेंगे। शादी में भी आप जाएँ उससे पहले भी फेशियल अप्लाई करें तो अच्छा है। हम इसलिए दही से, फिर पहले हम दही से फेशियल स्टार्ट करेंगे, तो हम दही का फेशियल करेंगे। दही जो होती है वो टैन को रिमूव करती है। मैंने इसमें दही ले लिया है और ये मैंने इसमें 1 टी स्पून इसमें दही डाल दी है इसमें, और इसको मैं अच्छे से मिक्स करके पहले खाली दही से हम अपने फेस का अच्छे से करके स्क्रब करेंगे, क्लींजर करेंगे सॉरी, फिर स्क्रब करेंगे उसके बाद मिला के। तो पहले हम दही ले लेंगे, फिर अच्छे से पूरी स्किन पे दोनों हाथों से दही को लगाएंगे और खूब अच्छे से इसकी 2 मिनट के लिए मसाज करेंगे। और नेक पे, गर्दन पे अच्छे से लगाएं, जहाँ भी आपकी स्किन ज़्यादा काली हो रही हो वहाँ लगा सकते हैं आप इसे, हाथों पे, पैरों पे, हाथों पे भी लगा सकते हैं अच्छे से। और इसे अच्छे से आप अच्छे से फेस क्लीन अप करेंगे अच्छे से, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप इसको अच्छे से मसाज करेंगे। आंखों के नीचे से करें, जो डार्क सर्कल हैं वो कम हो जाएंगे, और ऐसे तो हमारा जो क्लीनअप है वो अच्छे से हो चुका है। अब हम इसको फेस को अच्छे से साफ कर लेंगे। मैं आपको 4 स्टेप में बताऊंगी। 1 स्टेप हमारा हो चुका है, ये दही का फेशियल है। इसे करने से जो आपकी टैन हो जाती है स्किन वो सब निकल जाती है। आप इसे शादी शादी वादी हमें कहीं जा रहे हो तो 2-3 दिन पहले से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, जो आपकी स्किन एकदम वाइट हो जाएगी। और हम 2nd स्टेप करेंगे, इसके लिए हम 1 टी स्पून क्या कहते हैं दही लेंगे और उसमें कॉफ़ी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप उसे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। दोनों हाथों से, हल्के हाथों से स्क्रब करना है, ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं करना है। अगर आपके क्या बोलते हैं पिंपल्स निकल रहे हैं तो और ज़्यादा संभाल के करना है। अच्छे से आप स्क्रब करेंगे, दो से तीन मिनट के बाद करने के बाद स्क्रब हो चुका है। उसके बाद हम फिर अच्छे से अपने फेस को वॉश कर देंगे। कॉफ़ी जो है वो कलर को क्लियर करती है एंड स्किन को निखारती है, इसलिए आप कॉफ़ी से हमारा स्क्रब हो चुका है। 3rd स्टेप में हम क्या करेंगे, फेस आप कर लिया हमें, और 4th स्टेप में हम दही लेंगे फिर से 1 टी स्पून। फिर हम इसमें या तो आप इसमें चावल का आटा डाल सकते हैं, चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें क्या कहें चंदन वाला फेस पैक डाल सकते हैं। तो मैं इसमें चंदन का मैंने फेस पैक निकाल दिया है वो डाल रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा हनी डाल दें। अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है आप हनी हनी डाल सकते हैं, एंड ऑयली है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं हनी, जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ रखता है, गर्मी में बहुत ही अच्छी रहती है। और मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ 1-2 बूंद, डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे इसे। अच्छे से इसे अप्लाई करेंगे, अपने दोनों हाथों से मसाज करेंगे ऐसे करके, जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए करना है। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं अच्छे से। इसको हम वॉश कर देंगे,
ये देख सकते हैं आप चेहरा कितना क्लीन हो गया, कितना साफ हो चुका है। और ये लास्ट स्टेप है, हम अभी करेंगे इसे, एक मिनट हम मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे, मुल्तानी दही और मुल्तानी मिट्टी मिला के हम फेस पे स्क्रब करेंगे, मतलब पैक बनाएंगे अच्छे से अपने फेस पे से लगा लेंगे। आप मुल्तानी मिट्टी, चंदन का फेस पैक लगा सकते हैं। मैंने इसे मुल्तानी मिट्टी मिलाई है, अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लें। और ये अच्छे से इसे सूखने दें, जब तक सूखे ना आप इसे अपने फेस पर अच्छे से लगाए रखें। 5 मिनट तक आप इसे अपने फेस पर लगाने के बाद इसे अच्छे से, जब तक 5 मिनट तक लगाएं, और ये सूखने के बाद आप इसे अच्छे से साफ़ कर दें, फेस को जाके धो लें। 5 मिनट हो चुके हैं हमारे फेस पर लगाए हुए, अब हम इसे वॉश करेंगे, फिर जाकर अच्छे से बाथरूम में हमें वॉश कर लेंगे। अब मैं जाके फेस अपना अच्छे से धोऊंगी, और देख सकते हैं आप स्किन पे कितना कलर फेयर हो चुका है। अगर आप इसको करेंगे तो आपकी जो टैन होगी वो भी सारी रिमूव हो जाएगी और स्किन एकदम साफ़ हो जाएगी। और कहीं आप शादी वगैरह में जा रहे हैं तो आपका फेस अलग ही चमकेगा एंड ग्लो करने लगेगी। और ये देसी नुस्खे हैं, आप मतलब देसी मैंने दही का फेशियल किया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय बाय फ्रेंड्स।